हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ स्टडी होमर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास टेंथ साइंस का चैप्टर नंबर एट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का फोर्थ पार्ट दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तीन पार्ट से मिलकर बनाए तीन ऑर्गन से मिलकर बनाए फर्स्ट है ओवरी सेकेंड है फेलोपियन ट्यूब थर्ड है यूटेरस तीनों को डिटेल में स्टडी करते हैं ओवरी ए पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड इन बोथ साइड्स ऑफ एबडोमिन वन पेयर ऑफ ओवरी एबडोमिन के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है लोकेटेड होती है जो फीमेल जर्म सेल एग को प्रोड्यूस करती है एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ़ ए गर्ल थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग्स आर प्रजेंटेड इन द ओवरी जब किसी फीमेल का बर्थ होता है तो उसी टाइम उसी समय थाउजेंड ऑफ़ इमेच्योर एग्स आर प्रजेंट इन दी तो एग्स बर्थ से ही प्रजेंट होते हैं बट वो एग्स कैसे होते हैं इम मेच्योर टाइप के एट दफ प्यूबर्टी सम ऑफ दीज एग्स स्टार्ट मेच्योरिंग और जैसे ही प्यूबर्टी आती है फीमेल में तो उसमें से कुछ एग्स मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं वन एग इज़ प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज दोनों में से एक ओवरी से हर मंथ एग एग प्रोड्यूस होता है यानी कि एक एग मेचोर होता है सेकेंड पार्ट आता है ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब रिसीव द एग प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर इट टू द यूटरस ओविडक्ट का क्या फंक्शन होता है जो एग ओवरी में प्रोड्यूस हुए हैं उसको ट्रांसफर करता है यूटेरस तक फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस हेयर इसके अलावा फर्टिलाइजेशन भी फेलोपियन ट्यूब में होता है और फर्टिलाइजेशन कहा जाता है फ्यूजन ऑफ गेमेट्स को मेल एंड फीमेल गेमेट्स जब फूज फ्यूज होते हैं तो उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन थर्ड पार्ट इसका आता है यूटेरस इट इज अ बेग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस ये एक टाइप की बेग लाइक स्ट्रक्चर है जहां बेबी का डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद यूटेरस ओपन इन टू वेजाइना थ्रू सर्विक्स यूटेरस बॉडी से बाहर वेजाइना में ओपन होता है सर्विक्स से होते हुए देखिए डायग्राम से समझते हैं इसको और अच्छे से दिज बोथ दिस वन एंड दिस वन दिज बोथ पार्ट्स आर ओवरी इस ओवरी से ये वाला जो पार्ट है ये अटैचड है इसे कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। दो फेलोपियन ट्यूब है दो ओविडक्ट है एंड थर्ड वाला ये दिस इज ब्रॉड एंड बेग लेग स्ट्रक्चर इज नोन एज यूटेरस दिस यूटेरस ओपन इन टू सर्विक्स, बीच वाला पार्ट सर्विक्स है, एंड वाला पार्ट है, है। है, है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा इसका। And uterus की जो inner wall है, उसे कहा जाता चलिए आगे फर्टिलाइजेशन ऑफ एग अब बात करते हैं एग का फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है तो यूटेरस में या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब एग फर्टिलाइज होता है तो देखिए द फर्टिलाइज एग कोल्ड जाइगोट इज प्लांटेड इन यूटेरस एंड डेवलप्स इन टू एन एम्ब्रियो तो फर्टिलाइजेशन होता है ओविडक्ट के अंदर और फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है और जाइगोट इम्प्लांट हो जाता है मतलब अटैच हो जाता है यूटेरस की वॉल से इसे कहा जाता है इम्प्लान यूटेरस में इम्प्लांट हो जाएगा और डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनाता है द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कोल्ड प्लेसेंटा अब एम्ब्रियो मदर के ब्लड से अटैच रहता है थ्रू ए स्पेशल स्ट्रक्चर स्पेशल टिश्यू कोल्ड प्लेसेंटा तो ये प्लेसेंटा ही एक ऐसी टिश्यू होती है जो मदर एंड बेबी के बीच में मीडियम होती है न्यूट्रिशन पहुंचते हैं मदर से बेबी में प्लेसेंटा के थ्रू प्लेसेंटा सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ़ ग्लूकोज़, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मदर से बेबी में जाते हैं और वेस्ट मटेरियल बेबी से मदर की बॉडी में आते हैं टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द बर्थ ऑफ़ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड इट इज अबाउट नाइन मंथ और फर्टीलाइजेशन के बाद से लेकर के बेबी के बर्थ होने तक के पीरियड को कहा जाता है गेस्टेशन पीरियड इट इज़ अबाउट नाइन मंथ्स इन ह्यूमन ह्यूमन्स में नाइन मंथ्स का होता है अप्रोक्सीमेटली अब बात करते हैं वेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तब क्या क्या चेंजेस आते हैं फीमेल की बॉडी में द यूटरस प्रीपेयर्स इट्ल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज एग यूटरस हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि वो फर्टिलाइज एग को रिसीव करे द लाइनिंग ऑफ द यूटरस बिकम्स थिक एंड स्पोंजी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो और इसीलिए यूटेरस अपनी इनर लाइनिंग को थिक कर लेता है स्पोंजी कर लेता है ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया हो तो एम्ब्रियो को सपोर्ट मिल सके वेन फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन प्लेस दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता तो इनर लाइनिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं होती सो इट इज़ नॉट नीडेड एनी लॉन्गर इफ फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन प्लेस अब ज़रूरत नहीं है इनर लाइनिंग की तो इट विल बी स्टार्टिंग ब्रेकिंग दिस लाइनिंग ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस और ये लाइनिंग अब धीरे धीरे ब्रेक होती है ब्रेक होने के बाद में वेजाइना के थ्रू ब्लड एंड म्यूकस की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलती है दिस साइकिल टेक्स अराउंड ट्वेंटी एट डेज एवरी मंथ एंड कोल्ड मेस्टुएशन और इसी साइकिल को जो कि ट्वेंटी एट डेज में रिपीट होता रहता है इस साइकिल को कहा जाता है मेस्टुएशन जिसमें एंडोमेट्रियम की वोल ब्रेक होकर के ब्लड एंड म्यूकस की फॉर्म में वेजाइना से बाहर आती है इस साइकिल को कहा जाता है मेस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में पूरी तरीके से सही होने को कहा जाता है वेल well बीइंग होने को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ दैट इज़ फिजिकल इमोशनल सोशल एंड बिहेवियरल जिसमें फिजिकल इमोशनल एंड सोशल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट शामिल हैं अब बात करते हैं सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एस की मैनी डिजीज़ कैन बी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड सच एज तो वो डिजीज़ जो सेक्शुअली ट्रांसमिशन हो सकता है सेक्शुअल के थ्रू सेक्स के थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है उन सभी डिजीज़ को कहा जाता है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो कुछ अलग अलग माइक्रोब से अलग अलग टाइप की एस होती है बात करते हैं बैक्टीरियल से बैक्टीरिया से होने वाली गोनोरिया एंड सीफिलस ये दो डिजीज़ है एस जो बैक्टीरिया से होती है इसके अलावा वायरल से वोट्स एंड एच एड्स जो एड्स एंड वोट्स है ये वायरस से होने वाली डिजीज़ है इनको कहा जाता है वायरल डिजीज़ यूज ऑफ कोंडम्स टू प्रिवेंट दीज इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंड एस्टडीज से बचने के लिए कोंडम का यूज़ करना चाहिए अब बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन वॉट इज कॉन्ट्रासेप्शन इट इज़ द मेथड ऑफ़ प्रिवेंशन ऑफ प्रेग्नेंसी तो ऐसा मेथड जिसमें प्रेगनेंसी से प्रिवेंट किया जाए मतलब प्रेग्नेंसी को रोका जाए उस मेथड को कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्शन इट कैन बी अचीव्ड बाय प्रीवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा और फर्टिलाइजेशन को रोक करके प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है अगर फर्ट ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की क्या क्या मेथड्स हैं किस तरीके से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है तो पहला आता है फिजिकल बेरियर एज द नेम सजेस्ट फिजिकल बेरियर जो कोई फिजिकल थिंग होगी टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म यूज कॉन्डोम्स सर्वाइकल कैप्स एंड डायफ्राम्स स्पर्म एंड एग को यूनियन यानी कि फ्यूज होने से रोकने के लिए यूज ऑफ कोंडम्स कोंडम्स का सर्वाइकल कैप्स का एंड डायफ्राम का यूज किया जाता है सेकेंड है केमिकल मेथड्स केमिकल मेथड्स में आते हैं यूज ऑफ औरल पिल्स मेडिसिन खाने वाली दवाइयाँ दिस चेंज हॉर्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज और इन पिल्स के खाने से बॉडी में हॉर्मोनल बैलेंस चेंज हो जाता है और एग रिलीज नहीं हो पाता इट मे हैव साइड इफेक्ट्स अब सीधी सी बात है दवाइयाँ पिल्स या मेडिसिन कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो ज़रूर करती हैं तो इनसे साइड इफेक्ट भी होने के रिस्क रहता है नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दैट इज आई यू सी डी इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है आई यू सी डी इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ये ऐसी डिवाइस होती है जो यूटरस के अंदर फिट कर दी जाती है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए रोकने के लिए कॉपर टी और लूप इज प्लेस्ड इन यूटेरस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी जो कि डिवाइस क्या नाम है इसके क्या क्या एग्जांपल हैं कॉपर टी और लूप ये ऐसे डिवाइसेस हैं जिन्हें यूटेरस के अंदर फिक्स किया जाता है जिससे प्रेगनेंसी ना हो क्यों ना हो कॉपर टी कॉपर टी कॉपर रिलीज करता है जो कि पम्प को इनेक्टिव बना देता है जिससे फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट नहीं हो पाता फर्टिलाइजेशन नहीं होता और प्रेगनेंसी नहीं होती अब बात करते हैं सर्जिकल मेथड्स की किस तरीके से सर्जरी करके प्रेगनेंसी को रोका जाता है पहले देखते हैं मेल में इन मेल्स द वास डिफरेंस इज़ ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट स्पम ट्रांसफ़र कोल्ड वेसेक्टोमी तो मेल्स के अंदर जो वास डिफरेंस होती है जो स्पम को कैरी करती है टेस्टिस से यूरीथ्रा तक इसको ब्लॉक कर लिया जाता है इसको कट कर लिया जाता है कट करने की इस प्रोसेस को कहा जाता है वेसेक्टोमी फीमेल्स में द फेलोपियन ट्यूब इज़ ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट एग ट्रांसफ़र कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स के अंदर फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को कट करके उसको बाइंड कर लिया जाता है वहीं पे जिससे एग्स ट्रांसफ़र ना हो पाए ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में अब बात करते हैं फ़ीमेल फिटिसाइड की द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वम इज कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड फीमेल चाइल्ड को वुम्ब के अंदर ही किल करने को कहा जाता है फ़ीमेल फिटिसाइड कुछ लोग होते हैं जो फीमेल का पता लग जाता है गर्ल का गर्ल चाइल्ड होने पे उसको वुम्ब के अंदर ही किल कर दिया जाता है इस प्रोसेस को कहा जाता है फीमेल फिटिसाइड जो कि काफ़ी गलत है फॉर ए हेल्दी सोसाइटी ए बेलेंस्ड सेक्स रेशो इज़ नीडेड देट कैन बी अचीव्ड बाई एजुकेटिंग पीपल टू अवॉइड माल प्रैक्टिस लाइक फीमेल फेट फिटिसाइड एंड प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन और एक हेल्दी सोसाइटी के लिए एक बेलेंस्ड सेक्स रेशो की ज़रूरत होती है जिसको अचीव किया जा सकता है एजुकेट बाई एजुकेटिंग पीपल लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट होना चाहिए इसके लिए ताकि वो इस तरीके की फ़ीमेल फिटिसाइड की प्रैक्टिस को रोक सके एंड प्री सेक्स डिटर्मिनेशन को भी रोक सके प्री मतलब जन्म से पहले सेक्स को डिटर्मिनेशन करना मतलब सेक्स का पता लगाना कुछ लोग होते हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही चेक करवा लेते हैं और पता करवा लेते हैं कि फीमेल है या मेल है एम्ब्रियो प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज ए लीगल ऑफेंस इन आर कंट्री सो एज़ टू मेंटेन ए बैलेंस्ड सेक्स रेशो इसीलिए प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज लीगल ऑफेंस एक कानूनन अपराध है हमारे देश में ताकि बैलेंस्ड सेक्स रेशो को मेंटेन किया जा सके अगर सेक्स डिटर्मिनेशन ही ना होगा पता ही नहीं चलेगा जो वोमे मेल है या फीमेल है तो कोई किस तरीके से फीमेल फिटिसाइड करेगा तो इसीलिए ये लीगल ऑफेंस है जो करना भी नहीं चाहिए और इसको प्रिवेंट करके एक्सेस सेक्स रेशो को बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू